अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको थैंक यू करना चाह रही थी कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। और ये जर्नी जो थी मेरी, ऐसे मैंने मज़े के लिए शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग जुड़ते गए मैं सीरियस होती गई। और मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे ही 5000 होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स तो हम गिव अवे करेंगे। और जैसे कि मेरी नीश जो है वो फैशन है और टेक्सटाइल फैब्रिक्स है, तो मैं कोई अच्छा सा जोड़ा जो है गिफ्ट करूँगी 5000 के बाद, फिर 10, जैसे जैसे ज़्यादा होते जाएंगे हर 5 के बाद जो है हम गिव अवे करेंगे। इसके अलावा एक कंपटीशन का भी मैंने अपनी कम्युनिटी में डाला था कि हम मायरा खान का जो ढोलकी का जोड़ा था, जो उसका था महरीन, किसका था, मनाइल महरीन का था, तो मनाइल महरीन का जो पर्पल जोड़ा है वो हम सोच रहे हैं कि हम रेप्लिकेट करें उसको और उससे इंस्पायर्ड एक जोड़ा बनाएं जो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस में बने। और ये इस पर हम काम कर रहे हैं, तो बिहाइंड द सीन भी मैं आपको ले जाऊंगी। थैंक यू एंड बाय। ये हम लोग डिनर पे गए थे, सोमो के नाम से एक है जापानीज क्विजीन की जगह, तो वहाँ हम गए थे। तो ये फैमिली टाइम और सब बैठे हैं मज़े से इंजॉय कर रहे हैं जापानीज खाना, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और मेरी बहनें, उनके बच्चे, उनके नवासे, तो ये वहाँ की है। फिर ये ब्रेसलेट मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, वो मैंने दिखाया आपको। और ये अब ये लुलू सर के प्रिंट्स हमने मंगवाए थे कराची की, एक बहुत अच्छी शॉप है वहाँ से, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाते हैं उसी किस्म के काफ्तान और कुर्ते वगैरह। तो ये एक दुकान है कराची में जो हमें पता चली, और वहाँ से हमने गए भी नहीं हम वहाँ पे, बस हमने उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने जो है ये हमें भेजे हैं ये। और बिल्कुल जैसे कहा था, जैसे था उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो वैसे ही बिल्कुल ये इनके प्रिंट्स हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी, और बहुत ही खूबसूरत, और जो कपड़ा है ना वो भी बहुत अच्छा है, प्राइसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि वहाँ से लेने का तो मतलब है कि आपको 10000 तक का आपको पड़ता है। और ये आप देखें कि ये मुझे इतने कम प्राइसेस में ये कपड़ा मिला। मैं सिलवा भी लेती हूँ, ज़्यादा दर्जी जो है वो 2000 ले लेगा, तो 5000 से कम में मुझे ये सारे कुर्ते पड़ेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत है, ये वाला सारा साइड में बॉर्डर है और इस साइड पे ये देखें, एक एक करके मैं आपको सब दिखाऊंगी। इसका चाहे काफ्तान बना ले, चाहे कुर्ता सिलवा ले, चाहे आप इसकी मैक्सी बनवा ले, वेस्टर्न कुछ बनवा ले, कमीज़ बनवा ले, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये सारे वही प्रिंट्स हैं जो लुलू सर की बुटीक यूज़ करती है। ये देखें ये कितना खूबसूरत है, देखिए साइड में इसका सारा ये है और बीच में ये। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी सिलवा सकते हैं, इस तरह से को नज़दीक से देखा। इतना रेशमी कपड़ा है कि टिक ही नहीं रहा और गिरता जा रहा है। फ्लावर्स बने हुए हैं इसके ऊपर। अच्छा, फिर ये वाला देखिए कितना खूबसूरत है, ब्लैक में है, ये भी फ्लोरल है। इसका बॉर्डर है ऊपर जो है प्लेन ब्लैक, ये देखिए कितना खूबसूरत है, लवली, रियली लवली, एंड द मटेरियल इज रियली गुड, दैट्स व्हाट आई एम मोर हैप्पी अबाउट। कि मैं यही थोड़ा सा स्केप्टिकल थी इसको ऑर्डर करते हुए,
कहीं ये ना हो कि ख़राब सा ना कपड़ा हो, गफ सा, लेकिन नहीं, इतना नरम मलाई की तरह है कपड़ा। ये देखें, ये ऊपर से इस तरह करके ग्रीन है, आर्मी ग्रीन कलर है, ये मूंगिया कलर जिसे कहते हैं, और नीचे इसके ये देखें सारा लवली अमेजिंग। ये वाला देखें कितना खूबसूरत है, मैं बार बार ये कहती जा रही हूँ ये कितना खूबसूरत है, वो कितना खूबसूरत है, क्योंकि ये देखें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस शॉप का नंबर भी दे दूँगी, ये कराची में, तो जैसे इन्होंने हमें इस्लामाबाद में डिलीवर किया तो डेफिनेटली आप जहाँ भी रहते हैं ये आपको डिलीवर कर देंगे। ये देखें, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा ये जैसे वो नहीं होता टाई डाई टाइप का, ये देखिए। अब ये जब सिल के आएंगे ना फिर मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करूंगी कि मैंने किस किस्म के सिलवाए। मेरे दिमाग में थोड़ा सा इनके लिए डिफरेंट वो है, डिफरेंट थोड़ा सा सिलवाऊंगी इनको। अच्छा सॉरी, वो दैट वॉज नॉट लास्ट बट नॉट वो लीस्ट, वो जो था ना वो सेकेंड लास्ट था, ये लास्ट। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ डाल के और इसको फिर दिखाती हूँ। अच्छा फिर मैं आपको वो भी दिखाऊं, मैंने जो वहाँ से लिया था लाहौर से जो मैंने जोड़ा लिया था उसको, दुकानों के नाम सारे जो है ना मुझे भूल जाती हूँ, मुकद्दस सिल्क से जो मैंने लिया था, तो वो भी सिलवाना है मैंने, मैंने का वो तो दुकान में मैंने आपको दिखाया था, ये असल में जो घर आके इसका, ये देखिए सारी एम्ब्रॉयडरी भी हुई है इसके ऊपर, बहुत ही हल्का हल्का सा इसके ऊपर काम है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ये भी जब सिल जाएगा तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाला मैंने याद है कि इस वाले के पीछे ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये भी अब सिलवाऊँगी। तो जब ये सब सिल जाएंगे ना तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने उनको और कैसे ब्यूटीफाई किया, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की, क्योंकि दोनों शादी पे पहनने वाले हैं तो इनको थोड़ा सा एम्बेलिश करूँगी। बाकी जो वो हैं लुलू सर वाले प्रिंट्स हैं वो तो खुद ही इतने गॉडी हैं और इतने वाइब्रेंट प्रिंट्स हैं, कलर्स हैं, कि उनको कुछ नहीं करूँगी, लेकिन कुछ के सोच रही हूँ काफ्तान बनवा लूँ, कुछ के लॉन्ग कुर्ताज़ बनवा लूँ, तो जब ये हो जाएगा देन आई विल शेयर इट विद यू।